का भोला। क्या हुआ भोंदा, तुम बार बार डेस्क से क्या देख रहे हो? जी सर, कुछ नहीं सर। वो सर, वो क्या है ना सर, भोंदा ये केक छुपा के रखा है, शायद उसी को वो बार बार देख रहा है। नहीं सर। कहाँ कहाँ है दिखाओ, देखो जरा तुम्हारा डेस्क। ये देखिए सर। अच्छा ये बात है, नालायक लड़के, पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं है, दिन भर सिर्फ खाना ही खाना। ये लीजिए सर आपका डंडा। हाँ दे मुझे दे। हाँ नालायक तेज भूख लगा है सर, तो मेरा केक छीन लिए है, भूख के मरे मेरे पेट में चूहा कूद रहे हैं। स्कूल की तो छुट्टी हो गई, घर पहुंचने में तो बहुत देर है। हाँ, उस खिड़की पे खीर का कटोरी रखा हुआ है, उसके पास जाकर देखता हूँ, शायद कोई ठंडा होने के लिए रखा होगा। भोंदा आज तू कुछ नहीं खा पाएगा समझे, अब मैं इस खीर को खाकर देखता हूँ। खीर का सुगंध बहुत अच्छा है। ये देखिए दादाजी, ये देखिए, वो लड़का आपका खीर का कटोरी चुरा रहा है। हाँ, इतना बड़ा हिम्मत, मेरे घर में चोरी? नहीं मैं चोर नहीं हूँ। नहीं कहाँ जा रहा, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। भागो, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं मैं चोर। अच्छा हुआ कि तुम उस चोर को देख लिए हो, वरना ना जाने क्या क्या होता। इनाम में ये 5 रुपया रख लो। आज मैं उस हंदे के वजह से पकड़ाते खीर भी नहीं खा पाया। बहुत भूख लगा है मुझे, लग रहा है उस खिड़की के ऊपर चिकन रोल रखा हुआ है। जाकर देखता हूँ सच में तो। हाँ कुछ भी हो, मैं उस रोल को खाऊंगा। चलता हूँ। वो देखिए भैया, चोरी कर रहा है। ये क्या फिर से मुझे हंदा पकड़वा दिया है, मैं अब क्या करूँ? जल्दी यहाँ से भागता हूँ। अरे भागो भागो। हाँ ये मैं कहाँ पहुँचा? हाँ ये तो बेकरी है, यहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अंदर पीछे की रास्ते से अंदर जा रहा है, जाकर मैं इस बेकरी के मालिक को बोलता हूँ। आप यहाँ हैं? अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अंदर चोर है। ये क्या, यह भी अंदर बेकरी को साथ में ले आया। मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। चोर कहीं का, उसे जल्दी वापस लेकर आ। आ जल्दी। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मुझे जाने दीजिए। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे आ गया। दे मुझे वापस दे जल्दी। ये लीजिए आपका केक। ये क्या किया, ये क्या किया तूने? हाँ मेरा पूरा केक बर्बाद कर दिया तू। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, वो केक नहीं था, वो गुब्बारा था। इसका मतलब ये लड़का मुझे झूठ बोला? बचे हो मुझे। बहुत बड़ा चोर है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मत मारिए, भागो। वो बहुत
बहुत ही झूठा है सर, वही मुझे गुब्बारा में रंग भर कर दिया था और मुझे बोला था आपके मुंह पे मरने के लिए। मुझसे मजाक कर रहा था तू? आ मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, भागो भागो। मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? रुक रुक, मैं बोल रहा हूँ रुक। ये है गोपाल फोड़। इस बार की कहानी महा एकादशी। गोपाल बताऊं तो तुम क्या महा एकादशी करते हो? हाँ, मैं अपने पिता के मृत्यु के बाद से करता था और अभी भी करता हूँ। पहले मैं शास्त्रीय मत से करता था, अब मैं अच्छा खाने पीने के लिए करता हूँ। बतासी बेटा, जल्दी से चावल धो के लाना। ला रही हूँ। क्या लक्ष्मी, खाना बना कि नहीं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बनी चुका है, आप नहा के आइए, तब तक तैयार हो जाएगा खाना। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। अरे बतासी, इस समय तो स्वामी को देखते हैं कि दिन रात पूरी तरकारी और मिठाइयाँ बड़े मजे ले लेकर के खा रहे हैं। ये क्या आप नहीं जानते हैं, आज एकादशी है, मालिक का आज व्रत है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तब तो मैं अब इस बार से स्वामी की तरह महा एकादशी करूँगा और खूब मजे। नकुल, ए नकुल आ खाना खा ले। ए नकुल आ खाना खा ले आके। आ हाँ मालकिन, दीजिए तो। ले ये ले, खा ले खाना। क्या हुआ नकुल, तू अचानक यह सब खाना खा रहा है? आपको देखकर नकुल भी एकादशी का व्रत रखा है। ठीक है ठीक है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, एकादशी सबको करना चाहिए। कारण यह है कि एकादशी करने से सुख और शांति दोनों ही मिलते हैं। मुझे मालूम है तू एकादशी क्यों किया है, मेरे साथ साथ मिठाई पूरी खाने के लिए रुक, तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ले खा, ठीक से खा, पेट भर के खा। लक्ष्मी, इसे दो तीन पूरी और दो। हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ। क्या रे बतासी, कम मैदा गूंथोगी? हमें तो बहुत भूख लगी है जी। आज मैदा नहीं गूंथूंगी, आप पूरी मिठाई नहीं खा पाइएगा। क्यों क्यों? सुनी हूँ आज महा एकादशी है इसीलिए। हाँ, यह कैसी बात है, ये कैसा जोग है, लगता है मालिक से मुझे बात करनी होगी। मालिक मालिक, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मालिक, आप तो प्रति एकादशी को पूरी तरकारी मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन अभी तक तो आप कुछ नहीं खाए। आज जैसा तैसा एकादशी नहीं है, आज महा एकादशी है, आज निर्जल उपवास रहना पड़ता है, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। छी छी छी, यह क्या बात है, मैं सोचा था एकादशी करूंगा लेकिन यह तो गड़बड़ हो गया, अब मैं कान पकड़ता हूँ, जीवन में कभी एकादशी नहीं करूंगा। आज बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है, जिंदगी में कभी भूल कर भी पूरी मिठाई खाने के लालच में एकादशी करने का नाटक नहीं करेगा। राम और श्याम
दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे। दोनों रविंद्र बोर्डिंग स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। वे दोनों सांप बिच्छू भूत प्रेत डकैत किसी से किसी प्रकार से नहीं डरते। एक दिन प्रधानाध्यापक उन दोनों को अपने पास बुलाए। दोनों, आगामी कल तुम दोनों के साथ मैं खाना को लेकर धनस्पोर अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा। वाह, तब तो बहुत अच्छा होगा। घना प्रधानाध्यापक महोदय का एक विशेष नौकर था। बहुत डरपोक आदमी था। जो भी हो, कथनानुसार अगले दिन सुबह ही प्रधानाध्यापक राम और श्याम को लेकर घना के साथ धनुषपुर के लिए चल दिए। मास्टर जी, इस स्टेशन का नाम वीरभूमि है ना? आप बोले आपका मित्र का घर धनुषपुर है ना? हाँ, धनुषपुर गांव में। लेकिन वहां जाने के लिए इसी स्टेशन पर ही उतरना होगा। उसके बाद बैलगाड़ी पर ही जाना होगा। लगभग एक घंटे का रास्ता है। बाप रे बाप, अभी भी एक घंटा और? महाशय जी, कहाँ बैलगाड़ी है? चारों ओर तो खाली ही खाली दिखाई दे रहा है और शाम भी तो हो रही है। हाँ महाशय जी, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो तब पैदल ही चलते हैं। देखे बीच रास्ता में कोई खाने का दुकान मिलती है कि नहीं। हाँ महाशय, तो चलिए। अरे महाशय जी, पैदल चलते चलते तो पैर में फोड़े आ गए। ना तो खाने की दुकान मिली और ना तो धनुषपुर आया। मित्र, पत्र में लिखा था कि यहाँ से एकदम सीधा जाना होगा। हम लोग तो सीधा ही रास्ता जा रहे हैं। लगता है और कुछ समय लगेगा। चलो सब धीरे धीरे चलो। बहुत दिन हो गया मैं मनुष्य का खून नहीं पिया। हाँ ठीक कहते हो। देखो तो, वही तो चार चार मनुष्य आ रहे हैं। आज सुख के साथ ही मनुष्य का खून पिया जाएगा। अरे हम लोग कहाँ आ गए? चारों ओर मनुष्य की खोपड़ी और हड्डी। उधर 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 लगता है कुछ चीता जल रही है। ठीक बोलते हो, यह तो लग रहा है सुनसान है। यह क्या, सुनसान में तो सुनते हैं भूत रहते हैं। है नहीं रहते हैं। ये देखो हम दोनों को।
राम 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 हरि नाम मत जपो जी, नहीं तो तुम लोगों का गर्दन मरोड़ूंगा। ये क्या, अरे राम साम, अब क्या होगा रे? मास्टर जी, इन लोगों से डरने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि और दिमाग से इनसे लड़ना होगा। मेरी एक शर्त है कि तुम 10 मेंढक को एक साथ पकड़कर अपने पास बैठाकर तुम गाना सुनाओगे, तभी तुम हम लोगों को गर्दन मरोड़कर खून पी सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, यही होगा। बाप रे बाप, भाग गया। नहीं, पकड़ो पकड़ो, जा ये भी भाग गया। ए ए ए, यह क्या? ए जा, अरे बाप रे बाप, अब नहीं सकूंगा मैं भी, अब नहीं सकूंगा। हे भाई, अब माफ करो, हम लोग एक साथ 10 मेंढक एक जगह नहीं बैठा सकते, तब हम तुम लोगों को गाना कैसे सुनाएंगे? हाँ क्षमा करो भाई, अब हम दोनों आप चारों का खून नहीं पिएंगे, हम लोग अब चले। श्याम की बुद्धि के चलते ही वे चारों सुरक्षित यात्रा करते हुए पहुंच गए। हम लोगों को सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाए, जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुशी को कैसे भी सबक सिखाना है। चलो मेला घूम कर आते हैं, चलो चलो। ठीक बोल रहे हो, चलो मेला ही घूम के आते हैं। जादुई बंदूक ले जाओ, जादुई बंदूक ले जाओ। जादू वाला बंदूक, ये क्या है? चल जाकर देखते हैं। खिलौने वाले, जादू वाला पिस्टल दिखाओ जरा मुझे। सच में इस जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुन 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 मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल, चल। पुशी, तू लड़ सकता है बंदूक से? हाँ हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ए, 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 ले 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 ले, ए, तेरा है और ए, 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 मेरा है, ठीक है? लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1 2 3 लेट्स गो।
टॉम, चल 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 भागते हैं यहाँ से भाग। ये क्या, ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया, अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो लूसी और टॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। ओए ओए ओए, मेरे केले क्यों ले लिया? हाँ रखो रखो, हाथ मत लगाओ मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ, समझे? रखो केला रखो। हाँ ठीक है, ये लो। शैतान बदमाश, मेरा मेरे फल वाला थैला तोड़ दिया तूने, हाँ? मेरा नुकसान कर दिया तू, कोई नुकसान बढ़ेगा यार। हाँ रुक रुक रुक। मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब।